कि उनको पूरी तरह से विरह से मुक्त करो, तो वहाँ रहे वो। जब ये काम हो गया और उन्हें गोपियों का जब भाव देखा वृंदावन में ले जा कर के, जब वो भगवान की लीला भूमियाँ दिखाती थीं, इस वृक्ष के नीचे बैठते थे, इस लता में बैठते थे, इस कुंज में बैठते थे, तो भागवत है ना, भक्तम एकांतिनम पृष्ठम, तो ऐसे विह्वल हुए और गोपियों का भाव देख करके वो तो कहते हैं, वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पादरेणुम, आपके चरण धूल का वंदन करना चाहिए और बार बार करना चाहिए, मैं वंदन करता हूँ। अद्भुत है, वहाँ उन्होंने पूजन किया, ये कहते हैं हाँ आपकी चरण धूल सिर पर रखता हूँ। यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति, गोपियाँ आपका चरित्र सुन करके भुवनत्रय पवित्र होता है। अब देखो फिर से नंद बाबा के यहाँ आए विदाई लेने के लिए, तो नंद बाबा क्या बोलते हैं वाक्य देखो आप, 66वां श्लोक है 66। मनसो वृत्तयो नस्यो कृष्ण पादाम्बुजाश्रया, हम लोगों की सारी वृत्तियाँ श्री कृष्ण के पाद का आश्रय लेकर के ही रहे, ये मांगा। एक बार नहीं कहा नंद बाबा ने कि उसको कहना कि आया जाया करे, मथुरा बड़ी दूर नहीं है, कह तो सकते थे, आखिर गए थे वृंदावन से मथुरा, ऐसी कौन सी इतनी बड़ी दूर नगरी है। नहीं बोला यशोदा जी ने, नहीं बोला किसी ने, नहीं बोला। मनसो वृत्तयो न स्युः, भक्ति तो ऐसी है भाई, मन मिलन है। मई बुद्धिम निवेशय वचो वाणी ऐसी न होवे जो कृष्ण से हट के बोलती हो, वाचः अभिधायिनी नाम नाम कायस्तत्प्रवणादिषु, और शरीर उनकी सेवा में बीते, वाणी उनके नामगान में बीते, और मन की ऐसी कोई वृत्ति नहीं हो जो कृष्ण को विषय न करती हो। आप तो उपदेश सार में पढ़ते हो, कैसे बोलते हैं आप, वो कैसे है, काय वांग मनः पूजनम जपस चिंतनम क्रमात्, पढ़ते हो ना, ये भाष्य पढ़ लेना उसका। उस समय जितना पढ़ा था उतना ही जरूरी था, क्योंकि पाचन शक्ति बहुत कमज़ोर थी। हाँ, लेकिन ये न समझना कि उतना ही है, आप अपना अध्ययन बढ़ाओगे तो वो चीज़ जो है ना बढ़ती जाती है। नंद बाबा ऐसी मांग करते हैं, महाराज ये लौट के आए हैं उद्धव जी, वहाँ से अक्रूर जी लौट के आए हैं, धृतराष्ट्र को थोड़ा कस के समझा दिया, वो बोलते हैं तस्मात् समत्वे वर्तस्व, धृतराष्ट्र समानता से वर्ताव करो, ये 19वां श्लोक है 49वें अध्याय का। तस्मात् समत्वे वर्तस्व पांडवेषु आत्मजेषु वा, आत्मजेषु च, अपने पुत्रों में और पांडु के पुत्रों में समानता से व्यवहार करो। महाराज ध्यान रखो जरा, अभी तक स्थिति दूसरी थी, कह करके अक्रूर जी भी अपना कृत कार्य होकर के लौटे हैं, और अब मथुरा में भगवान ने तो लीला विस्तार किया। जरासंध से 18 बार युद्ध होता है, और यहाँ वो इसलिए छोड़ देते हैं उसको कि बार बार ये दुष्टों को इकट्ठा कौन करेगा, ये इन्विटेशन देने से तो आएंगे नहीं, तो जरासंध को अधमराज छोड़ देते थे, वो जाके फिर दुष्टों को इकट्ठा करके लाता था। बार 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 उनको तो दुष्ट दलन करना था। आखिरी बार में वो काल यवन भी आया, जरासंध भी आया,
भगवान ने कहा यहाँ बार बार आक्रमण होता है, प्रजा को तकलीफ होती है। तो द्वारिका में उन्होंने राजधानी बनाई समुद्र के अंतर्गत, और सारी प्रजा को, सारी संपदा को द्वारिका में भेज दिया अपने योग माया के बल से, और बलराम जी और स्वयं नारायण रहे। और जब काल यवन ने ललकारा, द्वार खुला किले का, तो कृष्ण भगवान बाहर खड़े हुए अकेले। काल यवन को लगा अकेले लड़ना चाहता है, तो जैसे ही थोड़ा तैयारी हुई दोनों ओर से और भगे महाराज। हाँ, बोलिए रण छोड़। मैंने रण छोड़े तो भी भगवान उसमें क्या कर। तो वहाँ मुचकुंद गुफा में सो रहे थे, वहाँ गए, उनको पीताम्बर उड़ाया, और आके काल यवन उनको ठोकर मारता है। जब आँख खुली उनकी, काल यवन को देखा, भस्म हो गया काल यवन। मरना ही था उसको इस तरह से। तो भगवान का ये कौशल है, किसी को तुम्हारा देख के मार देते हैं। भीष्म पितामह ने कहा, हमारे सैनिकों को आपने देख के मार दिया महाराज, आप बड़े खतरनाक प्राणी हो। माने हथियार ही हथियार हैं चारों तरफ। अब द्वारिकाधीश की लीला होती है, और यहाँ पहली लीला जो हुई है वो रुक्मणी विवाह की है। पहले बलराम जी का विवाह हो गया, और अब रुक्मणी विवाह की लीला है। मैं तो वो श्लोक बोलूँगा, और अब आप लोग आ जाओ, और जो लोग उठना चाहें उठ जाएं, हम तो ये कार्य कर संपन्न करा के फिर उठेंगे। बोलते हैं, ये ऐसा विधान है भागवत जी के अनुष्ठान में, कन्यादान का फल होता है। तो रुक्मणी विवाह में कन्यादान यजमान लोग करते हैं। तो लिखा यहाँ पर, हम तब तक श्लोक पढ़ते हैं। 52वां अध्याय है। आनर्ताधिपतिः श्रीमान् रैवतो रेवतीं सुताम्। आनर्त के अधिपति की कन्या है रेवती, तो रैवत की कन्या है रेवती, उनसे बलराम जी का विवाह हुआ। ब्रह्मणा चोदितः प्रादात् बलायेति पुरोदितम्। तो बड़े भाई साहब का विवाह करके, और थोड़ा हल्के तौर पे बोलूँ तो, फिर अपने लिए सारा रास्ता खोल डाला महाराज। नहीं तो वो बंद था दरवाज़ा, ये अच्छा नहीं लगता, समाज क्या बोलता। फिर रुक्मणी जी से, लक्ष्मी जी ने अवतार लिया था विदर्भ देश में, रुक्मणी फिर से लक्ष्मी नारायण भगवान का लौकिक एक लीला है, फिर से विवाह होता है। भगवान अपि गोविंद उपये मे कुरुद्वह वैदर्भी भीष्मकसुतां श्रियो मात्रां स्वयंवरे। ॐ पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतो विवाय स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं च बाह्याभ्यन्तरादिः लम्बोदरः श्रीयुतः श्रीसुन्दो गजकर्णको गजमुखो गम्भीरवेद्यागुणी गौर्याः पुत्र गणेशरोहरसुतो गोविंद पूजा कृतो यात्रा जन्म विवाह कार्य समये कुर्यात् सदा मंगलम् कुर्यात् सदा मंगलम् गंगा गोमति गोपते गणपति
गोविंद गोवर्धनो गीता गोमय गौरी जोगिरिसुता गंगाधर गौतम गायत्री गरुड़ गदाधर गया गंभीर गोदावरी गंधर्व ग्रह गोप गोकुल गण उर्वन्तु नो मंगलम उर्वन्तु नो मंगलम वाल्मीकि सन कह सनंदन मुनि व्यासो वसिष्ठो भृगु जाबालिर्जमदग्निराम जनका गर्गांगिरो गौतमा मांधाता भरतो नपश्च सगरो जन्यो दिलीपो नृपः पुण्यो धर्मसुतो ययाति नहुषः कुर्वन्तु वो मंगलम् कुर्वन्तु नो मंगलम् कन्यादान संकल्प प्रेकथा मंडपा मंडपेस्मिन् स्वामी श्री सुबोधानंद सरस्वती महाभागेन संबोध्यमाण श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान याग कर्मणि श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह प्रसंगेद्य मम समस्त पितृणाम निरतिशेषानंद ब्रह्मलोकावाप्त्यादि कन्यादान कल्पोक्त फलावाप्ति पूर्वकम् आध्यात्मिक आदिभौतिक आदिदैविक तापत्रय निराकरणाय ज्ञाता ज्ञात मनोवाक्काय कर्मजनित अखिल पापापनोदनाय चात्मनः मातृपितृवंशजान् द्वादश पूर्वान् द्वादशापरांच पुरुषान् पवित्रीकर्तुम् आत्मनश्च श्रीलक्ष्मीनारायणप्रीतये वृष्णिवंशोद्भवाय अच्युतगोत्राय श्रीदेवमीढवर्मणः प्रपौत्राय श्रीशूरसेनवर्मणः पौत्राय श्रीवसुदेववर्मणः पुत्राय वैयाघ्रपदगोत्राय श्रीभीष्मकवर्मणः कन्यामिमां सुपूजितां शालंकृतां वस्त्राभूषणसुसज्जितां आयुष्मतीं श्रौतस्मार्तसहायिनीं श्रीस्वरूपिणीं रुक्मिणीनाम्नीमां कन्यां श्रीकृष्णवरार्थिनीं शतगुणीकृतज्योतिष्टोमातिरात्रादियज्ञसमफलप्राप्तिकामः पत्नीत्वेन तुभ्यं संप्रददे जाग्रतो दोरमुदैति दैवान्तदो सप्तस्य तथैवैते काञ्ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सब्बादप्रमियः पतयन्ति जवाः घृतस्य धारा अरुखो नभाजे काष्ठाभिन्दन्नोर्मिभिः पिन्वमानः ग्रन्थिबन्धनं मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो हरिः आर्ति त्रिपार्थिवग्ं रजः पितुरप्राविधामभिः दिवः सदाग्ं च बृहते विदिष आद्वेखं वर्तते तमः जग्ं हविः प्रजननं मे असु दशभिरग्ं सर्वगणग्ं ससये आत्मसनि प्रजासनि पशु लोकशान्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करो भागवत जी की भी आरती करने साथ में ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्य अजायत श्रोत्राद्वायश्च प्राणश्च मुखाद्ग्निरजायत ये तीर्थानि प्रजरन्ति त्रिकास्ता ते
खाद्गुङ्गत्रयो जने वधन्वानि तन्मसि दन्तपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। हलो रुक्मिणी कृष्ण भगवान् की जय।